हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल मीतूज किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो इन्जॉय कीजिए आज की नई रेसिपी जो कि है वेज पनीर मंचूरियन। इसे मैंने अपने तरीके से बनाया है, आपको ये तरीका बहुत पसंद आने वाला है। अगर तरीका पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अलग सी पनीर वेज मंचूरियन की टेस्टी सी रेसिपी। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए एक बाउल ले लेते हैं और इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को डाल के तैयार करेंगे। 100 ग्राम पनीर लिया है मैंने, इसे हाथ से क्रम्बल करके अच्छे से निचोड़ के डाला है ताकि कोई भी इसमें नमी ना रहे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देते हैं, आधा कप कद्दूकस की हुई गाजर डाल देते हैं और एक शिमला मिर्च को मैंने बारीक काट के लिया है, इसे डाल देते हैं। एक बड़े साइज के प्याज को भी मैंने इसी तरीके से बारीक काट लिया है, इसे भी इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें एक कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल देते हैं। जो भी सीजनल सब्जियां हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं, और आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो उसे इसमें डालकर बनाएं और अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। और अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, एक चम्मच नमक डाल देंगे, नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं, कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 3 बड़े चम्मच ही हम इसमें मैदा डालेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन्हें मिक्स करते टाइम हमें कोई भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, सब्जियों की नमी की वजह से सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती हैं। यहाँ मैंने ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं और ये देखिए इस तरीके से जब हम इसे बाइंड करें तो ये बाइंड होना चाहिए। अब हम इससे छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो इस तरीके का एक बॉल बनाकर रेडी कर लिया है मैंने। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिया है, ब्रेड क्रम्स में मैं इसे कोट करूँगी। आप 1 या 2 ब्रेड को मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लें और ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाता है। इसे हम इसे कोट करके अच्छे से रोल करके रखेंगे। फ्रेंड्स, इससे हमारी जो बॉल्स हैं वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए इस तरीके से ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर रही हूँ। तो यहाँ हमारे बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं, चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल को गरम कर लिया है। अब एक एक करके बॉल्स को इसमें डालते जाएंगे। सभी बॉल्स को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो इस तरीके से मैं इसे हल्का धीरे धीरे से हिला रही हूँ ताकि जो हमारे बॉल्स हैं वो ऊपर से भी ऑयल से हल्का सा सिक जाएं। गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कलर का होने तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे बॉल्स कितने बढ़िया क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बॉल्स रेडी होते हैं। इस तरीके से बने हुए बॉल्स को तो आप ऐसे ही सारा खा जाएंगे, लेकिन हमें अभी मंचूरियन बनाना है तो ऐसे नहीं खाना है इन्हें। तो यहाँ मैं एक बॉल आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अंदर से ये कितना सॉफ्ट है, ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल परफेक्ट मंचूरियन बॉल रेडी हो गया है। अब हम इसके लिए सॉस बनाकर रेडी करेंगे। चलिए फटाफट सॉस रेडी करते हैं। उसके लिए मैंने पैन में 1 बड़े चम्मच ऑयल को गर्म कर लिया है और इसमें मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ, साथ में 1 चम्मच कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डाल देते हैं। और ये मैं अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ, अदरक के पेस्ट की जगह आप अदरक को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। हाई फ्लेम पे सभी चीज़ों को एक बार भून लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें सॉसेज ऐड कर देते हैं। 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप लेंगे, 1 बड़े चम्मच सोया सॉस डाल देते हैं, 1 चम्मच रेड चिली सॉस डाल देते हैं और 1 चम्मच ही हम इसमें ग्रीन चिली सॉस डालेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे आधा चम्मच चीनी। चीनी को फ्रेंड्स ज़रूर डालिएगा, इससे एक टेस्ट जो है एनहांस होके आता है मंचूरियन का।
तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच विनेगर, इससे बढ़िया सा टेस्ट आ जाएगा। सॉस को भी हल्का सा पका लेते हैं। यहाँ मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी ऐड करा है, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ऐड कर लें और इसका एक स्लरी बना लें। इस स्लरी को हम इसमें डाल देते हैं, इससे हमारी मंचूरियन की सॉस को हल्का सा थिकनेस मिल जाती है। तो इसे इसमें डाल के अच्छे से पकाएंगे। अगर आपको लिक्विड मंचूरियन पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके इसे पका लें और उसके बाद इसमें आप मंचूरियन की बॉल्स ऐड करें। लेकिन मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ तो मैं इसकी सॉस को गाढ़ा ही रखूँगी ताकि हमारी बॉल्स में सिर्फ कोटिंग हो सके। चलिए, सॉस बिल्कुल तैयार है, सॉस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने मंचूरियन के बॉल्स को डाल देते हैं। बॉल्स डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ड्राई मंचूरियन बहुत ही ईजी है बनाना और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर मैं ऊपर से इसमें डाल देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। काली मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन घर पे बनकर तैयार हो चुका है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा। सच में दोस्तों, आपको बहुत पसंद आने वाला है और घर पे सभी को भी बहुत पसंद आएगा।